खास मुलाकात। आज खास मुलाकात में बहुत सारे लोगों से मिलवाने वाला हूं और बहुत ही एक्टिविस्ट, एकेडमिशियन, रिसर्चर, और लंदन यूनिवर्सिटी वाले भी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी हैं। सबसे मिलवाऊंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खास सूचना। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकर नामा की एक मुहिम है कि जो मेधावी छात्र हैं, जो टैलेंटेड हैं और वो बाहर पढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, काम करें, आए, रिसर्च करना सीखे, कैमरा पे बोलना सीखे, सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद पैसे के अभाव में वो नहीं जाए ऐसा नहीं होगा। अम्बेडकर नामा उनके लिए मुहिम चलाएगा। अभी जानते हैं राजा चौधरी लंदन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं एलएलएम करने, 24 लाख रुपए की ज़रूरत है। पिछले 4-5 दिनों से मैं कैंपेन चला रहा हूँ और तकरीबन 12 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। आप सबका शुक्रिया, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए। 27 को जाना है और उसको भेजना है, सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो रही है। आज खास मुलाकात में बहुत सारे दोस्त घर पे आए हैं तो मैंने सोचा चलते चलते सबसे बातचीत की जाए। अरविंद से परिचय हैं, लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव चर्चित नाम है, पूरे देश में लोग जानते हैं, एक्टिविस्ट हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाते हैं और डॉक्टर लक्ष्मण यादव यूट्यूब भी चलाते हैं। उनके यूट्यूब पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और उनको सुने। गंभीर काम ये भी कर रहे हैं, ये भी रिसर्च करके डालते हैं, हवा में बात नहीं करते। सुरेंद्र हैं, यूथ फॉर सोशल जस्टिस चलाते हैं और उनके कई साथी यहाँ पे एकत्रित हैं। और चलिए बात करते हैं पहले अरविंद से। वो अरविंद आए थे 4 महीना के लिए फील्ड टूर पे। फील्ड टूर मतलब सर्वे करने आए थे लंदन यूनिवर्सिटी से यहाँ। जब आए थे तब भी मैंने इनका इंटरव्यू किया था। अब ये जाने वाले हैं तो जाने से पहले सोचा कि आपसे मुलाकात करा दूं। तो अरविंद, 4 महीना आप थे भारत में और आप उत्तर प्रदेश में रहे, तो क्या फाइंडिंग्स था, क्या रिसर्च करने आए थे भारत में? पहले इस पर बात करने के पहले मैं अम्बेडकर नामा के दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि प्रोफेसर रतन लाल जी ने अभी राजा चौधरी के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि जो है उनको 24 लाख रुपए की ज़रूरत है। स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन यूनिवर्सिटी के उन्हें एलएलएम का ऑफ़र मिला है। सो मैं अपनी तरफ से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, 24 लाख जो उनको ज़रूरत है, और ताकि जो है बहुत कम समय बचा है, मुझे लगता है 20 दिन बचा हुआ होगा, 20-25 दिन ही बचा है। सितंबर के लास्ट वीक से वहाँ क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो ये मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा कि अगर जो है उनको जल्दी से जल्दी जो है उनका टारगेट पूरा कर दिया जाए। अब आप शुक्रिया। अब चलिए, मैं मेरी दिलचस्पी बराबर लगातार आपके रिसर्च में रही है और आप लगातार लिखते भी रहते हैं जो आप फाइंडिंग्स होती है। तो 4 महीना जो आपने फील्ड टूर किया उत्तर प्रदेश में और जो आपकी थीसिस का पार्ट होने जा रहा है और मुझे लगता है साल भर में आपकी थीसिस कंप्लीट भी होगी, तो क्या आपने देखा उत्तर प्रदेश में, जमीनी हालात क्या है? हाँ देखिए, मैं जो है जो देख रहा था, एक रिसर्च क्वेश्चन है मेरा, ये देख रहा हूँ कि जो है जो लोअर कास्ट हैं, बेसिकली पुअर वोटर्स, उनका पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट कैसे हो रहा है और खासकर पॉलिटिकल पार्टी क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो पिछले कुछ दिनों से, मीन्स एक दशक से ये देखा गया है कि लोअर कास्ट वोटर, जिसमें मोस्ट बैकवर्ड है, अति दलित है, जो ज़्यादा पुअर है, और उसका रीअलाइनमेंट बीजेपी की तरफ हुआ है। तो एक देख रहा था कि उसका रीअलाइनमेंट क्यों उसकी तरफ हुआ है, और दूसरी चीज़ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, और या और छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, वो जो है कैसे अपनी तरफ दोबारा से उन वोटर्स को लाने की कोशिश कर रही हैं, क्या प्रोग्रामेटिक पॉलिसीज कुछ ऑफर की जा रही हैं, या और भी क्या क्या पॉलिसीज हैं, ये एक कंसर्न था जो है ये देखने की कोशिश में कर रहा है। तो इसमें आप एक बात बताइए, हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर या भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी प्रोग्राम हुआ था और मांग उठ रही है कि जाति जगन्ना होना चाहिए, इसकी कुछ गूंज ज़मीन पर दिखाई देती है क्या? हाँ नहीं, मतलब ये मांग पहली बार 2010 में जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था तो इसकी मांग उस समय शुरू हुई थी, पहले से भी चलती रही है, लेकिन अब की बार मतलब पिछले एक दशक में ये हुआ है कि इस मांग को कभी छोड़ा नहीं लोगों ने, खासकर जो दलित और ओबीसी तबके के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक क्लास जो
जनहित अभियान चलाते हैं राजनारायण जी, उन्होंने तो पूरा एक दशक बिता दिया, अपना जीवन कुर्बान एक तरीके से कर दिया है कि जाति जनगणना को लेकर। सो जब कोई मास कंटिन्यूसली सोसाइटी में रखी जाती है तो उसका इको होता है लॉन्ग टर्म में। आपकी बार मतलब 2010 में हल्का फुल्का बात हुई थी कि हाँ जाति जनगणना होगी, एक दो मीन्स एक तरफ से पूरा का पूरा काउंटर आर्गूमेंट ही आ गया, लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं है। इस बार ये मुद्दा जो है ग्रास रूट पर जा चुका है और बहुत तेज़ी से जा रहा है। उसमें आप लोगों के चैनल का योगदान है, लक्ष्मण भाई वगैरह लगातार जो है ये लोग अपने यूट्यूब चैनल और इन सारी चीज़ों से उसको डिमांड रख रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है और तमाम मीडियम है। इस वजह से अब की बार वो ग्रास रूट पर पहुँचा है। 2010 में ये बात नहीं थी, 2010 में एक लीड सर्किल में थोड़ा बातचीत थी, दिल्ली क्लब बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वगैरह में हम आप जैसे लोग जो लोग भी बैठते थे वहाँ ये बातचीत थी, एकेडमिक में थी, लेकिन अब की बार वो जो है गया है जमीन पर गया। जो 2 अप्रैल का हुआ या 5 मार्च का हुआ तो जमीन पर बातें गई थी। हाँ, इसी तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा भी अब की बार जो है जमीन पर जा गया है, लोगों के मीन्स कंसर्न में ये हो गया। हाँ, एक ये मुद्दा है देश में बड़ा जो अति पिछड़ों और पिछड़ों दलितों इनकी जो मीन्स सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को चेंज करेगा, एक ये मुद्दे के तौर पर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, आप तो लंदन में रहते, दो सवाल और लेंगे जी, बाकी तो जब रिसर्च आएगा तब आपकी किताब हम पढ़ेंगे, लोग तो पढ़ते ही रहते हैं कि भारत को लेकर खास तौर से जब मोदी गवर्नमेंट आया तो बहुत मोदी पूरा वर्ल्ड में हुआ था, भारत को लेकर पश्चिमी देशों में किस तरह का परसेप्शन है? देखिए अमीश, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसमें एक चीज़ ये रहा है कि वेस्ट में जो है मतलब वेस्ट अमेरिका ब्रिटेन कनाडा इन जगहों पर देखेंगे तो तीन तरीके की डायस्पोरा है, बड़ी बड़ी संख्या में इंडियंस हैं, एक गुजराती हैं, पंजाबी हैं और साउथ इंडियन है, तमिलनाडु के लोग हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग हैं। तो वेस्ट में जो है ये वाला लॉर्ड जो गुजराती लॉर्ड था ये बहुत एग्रेसिव हुआ है इसको लेकर कि हाँ जैसे लगा कि कोई उनके घर का आदमी प्रधानमंत्री बन गया हो। तो वहाँ जो इंटरनल मीन्स डायस्पोरा में टसल है उसमें एक एग्रेसिवनेस के तौर पर ये आया। लेकिन तो कुछ समय बाद जो है ये मुझे देखने में आया कि लोग जो है जैसे जो ब्रिटेन है वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो उनके फोर फादर पहले अंग्रेजों ने ले जाके उनको अफ्रीका में बसाया था, फिर 60s में वहाँ नेटिविस्ट आंदोलन शुरू हुए मुअम्मर गद्दाफी वगैरह के नेतृत्व में, तो उनको मार के भगा दिया, फिर वो सब ब्रिटेन चले गए। एक उस तरह का जो डायस्पोरा वो बीच में कुछ दिन अपने आप को इंडियन के तौर पर आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन तो जब से ये मोदी सेकेंड रिजिम आई है तब से वो जो है अपने आप को इंडियन नहीं कह रहा है, अब जो है वो कहता है हम तो साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। तो ये चेंज आया है, शायद वो जो है जो यहाँ वाला लॉट है बहुत एग्रेसिव है उसका वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये बदलाव आया है। भारतीयों को लेकर ब्रिटेन वगैरह में काफ़ी एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट है, एक अच्छा परसेप्शन है बाकी सारी जगहों की तुलना में। अगर आप वहाँ जाएंगे तो सबके वीज़ा कंडीशंस अलग अलग होते हैं, अफ्रीका वगैरह से आने वाले लोगों को हर महीने जाके पुलिस स्टेशन पे हाजिरी देनी होती है, ये सब भी अभी चल रहा है। हाँ, सबके लिए एक जैसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ इंडियंस के लिए नहीं था अभी तक। तो एक थोड़ा सा गांधी से ज़्यादा प्रभाव मोदी का लग रहा है गुजरातियों में मतलब बहुत एग्रेसिव गुजरात के एग्रेसिवनेस है बेसिकली वहाँ लोगों में। अब वो धीरे धीरे जो है जाएगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने भी उनका यूटिलाइजेशन किया। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, कॉलोनियल पीरियड में बड़ौदा महाराज थे, साहू जी महाराज थे, इंस्टीट्यूशन बिल्डर ऑल्सो, राइट, अंबेडकर को भेजे, अंबेडकर साहब कई छात्रों को भेजे विदेश, तो कॉलोनियल रिजिम था, राजे रजवाड़े थे, लेकिन लोकशाही में जब डेमोक्रेसी आया है अब कोई बड़ौदा महाराज नहीं दिख रहा है, और जैसा कि आप कल बता भी रहे थे कि इस बार 4 बच्चे क्राउड फंडिंग से विदेश पढ़ने गए। हाँ, 4 बच्चों में गोल्डन सिंह है, हर्षाली नागराले है, अच्छा, और एक दो बच्चे सुमित सामोस है और एक और लड़का है जिसका नाम मुझे नहीं ध्यान है, ये 4 बच्चे जो है क्राउड फंडिंग से इस बार गए हुए। तो चलिए अब राजा समाज ही दे रहा है। हाँ, इसके बाद जो है राजा चौधरी भी जाएंगे, मतलब भी आप
वो भी पाइपलाइन में है। मंत्री मंत्री तो बहुत है, एमपी बहुत है, लेकिन नहीं, ये इनफैक्ट एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। उत्तर भारत के पिछड़े रहने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि दक्षिण भारत में जो है, जो रजवाड़े थे बेसिकली, जिनको आज हम ओबीसी कैटेगरी के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें बहुत ढेर सारे रजवाड़े थे, जिसमें आपके साहूजी महाराज कोर्ट थे, बड़ौदा महाराज थे, इसके बाद मैसूर का राज घराना जो था, इसने जो है समाज के जो निचले तबके थे उनको ढेर सारे लोगों को पढ़ने भेजा। केवल बाबा साहब अम्बेडकर ही नहीं थे, एमसी राजा वगैरह भी तमाम, और जो है एक राव बहादुर श्रीनिवास थे, और भी ढेर सारे लोगों को। मीन्स बड़ौदा महाराज की तो एक पूरी स्कीम ही थी, हर साल कुछ लोग जाएंगे, भले ये कंडीशन था कहाँ आके चार साल पाँच साल बाद आप काम करिए, लेकिन ये था। इस मामले में जो है मीन्स उत्तर भारत में कोई भी ऐसा नहीं था, यहाँ जो रजवाड़े थे पूरा राजस्थान से लेकर जो है बंगाल तक, यहाँ जो है राजपूतों की रियासत रही है, तो इस वजह से इन लोगों ने कभी जो है घोड़े पे तलवार लगे, हाँ हाँ, इन लोगों ने कभी उस तरह गुडविल नहीं दिखाया था। इसमें एक प्रॉब्लम और भी हुई कि 90s के बाद जब ये सामाजिक न्याय की पार्टियों ने या सामाजिक न्याय वाले नेताओं ने उत्तर भारत में जीत हासिल की, सरकारें बनाई, तो मैं ये मतलब कहूंगा, ये दुख की बात थी कि लोगों ने अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ाया, मुलायम सिंह यादव ने अपने बच्चे अखिलेश यादव पढ़ाया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, हाँ मायावती ने अपने भतीजे को पढ़ाया, ठीक है, और ऐसे ही और भी लोग, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी, अजीत सिंह, जयंत चौधरी, पूरी एक पीढ़ी ही पढ़ी, उनके भी पिताजी प्रधानमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, लेकिन कभी इन लोगों ने जो आम जनता है यूपी बिहार हरियाणा में, कोई दलित पिछड़ों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है लेकिन ऐसा बदमाशी किया है, उससे भारत सरकार ने भी नहीं, भारत सरकार का क्रिमिनल लेयर जो लगाया है, नहीं ठीक है, वो उसका जस्टिफिकेशन भी हो सकता है, नहीं जस्टिफिकेशन हो सकता, अगर जो है वो क्रिमिनल लेयर नहीं होता, सारे ब्यूरोक्रेट के बच्चे ही जाते, हमारे जैसे लोग नहीं पा सकते, नहीं वैसे भी 8 लाख से देखिए कम जो है वो कम बच्चे, हाँ, वो एक दूसरा इशू, हाँ, है ओवरऑल, मैं कह रहा हूँ कि 8 लाख उन्होंने इनकम क्राइटेरिया लगाया, उसका बेनिफिट है, उसका नुकसान है, जनऊ का भी 8 लाख, ओबीसी का भी 8 लाख, एससीएसटी का भी 8 लाख, वो पहले 6 लाख ही था, वो जो है जब मैं वहाँ गया, नहीं वो पहले 6 लाख ही था, जब मैं वहाँ गया तो उसको मनोज झा जी से एक क्वेश्चन उठवाया पार्लियामेंट में, तो उसको 8 लाख कर दिया उन लोगों ने, वो इनकम जो क्राइटेरिया वो एक दूसरी चीज है, स्कीम ही ना होना के बच्चे, तो ब्यूरोक्रेट आप बताइए मुझे कि जितने बच्चे जा रहे हैं विदेश पढ़ने उसमें ब्यूरोक्रेट आंकड़ा होना चाहिए, सब तो ऐसे लोग जा रहे हैं ना, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, और मान लिया 12 लाख अगर हो गया किसी को और 40 लाख उसको ऑक्सफोर्ड में देना है, तो वो तो क्राइटेरिया फिट नहीं हुआ उसमें, तो 12 लाख में 40 लाख कैसे दे सकता है। हाँ नहीं मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो इनकम का क्राइटेरिया वो एक डिबेट हो सकता है, कितना रीजनेबल है कितना नहीं है, आप ओवरऑल नहीं, नौकरी में जब क्रीमी लेयर नहीं है तो स्कॉलरशिप में क्यों, हाँ वो सवाल है। चलिए एनीवे, चलिए समाज जाग रहा है, समाज फंडिंग कर रहा है, अम्बेडकर नामा एक स्कीम लेकर भी आया है, अगर विदेश जाना हो तो आइए, पहले यहाँ ट्रेनिंग होगी और उसका जब आप एलिजिबल हो जाएंगे, एडमिशन मिल जाएगा, तो हम लोग क्राउड फंडिंग करेंगे, ये मंच आप ऐसे छात्रों के लिए। लक्ष्मण मेरे साथ है, लक्ष्मण अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बहुत गंभीर बातें रखते हैं। लक्ष्मण का चल रहा बात देश में, एक्टिविस्ट भी है, मेरे से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नहीं मैं पहले तो सर अरविंद ने जो बात कही, आपने जो शुरुआत की, मैं भी उसमें अपनी सहमति दर्ज करता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, और आज तो अरविंद के साथ हम लोग घूमते हुए ये बात अक्सर डिस्कस कर रहे थे कि एकेडमिया में अब ये जो पीढ़ी आई है इसके लिए बहुत कुछ करना भी बाकी है, तो उनमें से ये बहुत जरूरी बात है कि जो भी युवा जिसको मौका मिल रहा है विदेश में पढ़ने जाने का, उनको अगर इस तरह की बाधा के चलते नहीं मौका मिला या नहीं जा पाए वो पढ़ने, तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जो रतन सर की जो आपसे अपील है उसको यथाशीघ्र उसमें जितनी मदद कर सकें कि जल्दी से जल्दी वो क्राइटेरिया पूरी हो जाए और ये युवा वहाँ जाएं और फिर लौटें तो कुछ बेहतर दें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पीछे फिर बहुत बहुत गंभीर बात होती है, क्योंकि एक व्यक्ति प्रोफेसर बनता है, अब आपको तो खैर देश भर के लोग जान रहे हैं, अरविंद हमारे पड़ोसी हैं और JNU में भी हम लोग पहले से परिचित थे, तो अब एक बहस होती है ना कि अपने बीच का कोई व्यक्ति लंदन में पढ़ रहा है, तो उसका जो एक समाजशास्त्री पक्ष है, उसका जो पूरे, हम लोग इलाहाबाद गए तो इतना बड़ा वो होता था कि उनके फलाने के घर का लड़का इलाहाबाद, ज्यादा भय चढ़ाते हैं और वहां से चले गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और वहां पढ़ने के बाद जो पूरा समाजशास्त्र बदला, मनोविज्ञान बदला,
तो अब तो बदल के वो विदेश जा रहा है, तो इसमें तो बहुत बहुत गंभीर बात होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करें और लोग और पीढ़ियाँ, अभी आप 4 का जिक्र कर रहे हैं, ये 40 में जाए, 400 में जाए, हाँ बड़े आराम से। हाँ, और उत्तर भारत में मुझे लगता है अरविंद, इस पर भी हम लोग तो बात करते रहते हैं कि जो सर है ना कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत में पेरियार की जमीन और उसके बाद स्टालिन तक की पूरी यात्रा देख लीजिए। हाँ, वो पेरियार से शुरू हुई और आज स्टालिन पे है। हाँ, हम लोग कर रहे थे, आपने तो एक प्रपोजल भी रखा है कि उनको उत्तर भारत बुलाएंगे, तो मुझे लगता है आपका उसके पीछे एक मंशा होगी कि वो विचार आए। हाँ, तो वाइब्रेंट हो, वाइब्रेंट हो। और जो शिक्षा की बात जो अरविंद ने कही, मैं उसमें भी यही जोड़ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय थे उनको भी कैसे कोलैप्स किया गया जानबूझकर। हाँ, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत लेकर के वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU या ये सब थे, उनमें भी किसका वर्चस्व था। बावजूद उसके उस पूरे पूर्वांचल के इलाके में हम लोग जानते हैं सर कि हम लोग के यहाँ गांव गिराव में एकाध कोई चला जाता था तो वो खाली हाथ तो नहीं लौट, अमूमन वो या तो जो ब्यूरोक्रेसी की नौकरियां हैं उनमें सेलेक्ट हुए लोग, या टीचिंग जॉब में गए, या वनडे एग्जाम की तैयारी करके कोई ना कोई नौकरी पा करके आए। और एक पूरा सोशियो कल्चरल जो स्पेस है वहाँ का वो पतला, तो एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोग तो यही कह रहे हैं। लक्ष्मण, जैसे एक सरकार जो कर रही है वो एक राजनीतिक मसला है, वो तो संसद विधानसभाओं में लड़ाई होगी। अम्बेडकर जब गोलमेज में गए थे तो राजा महाराजा जमींदारी के खिलाफ भाषण भी दे रहे थे, अब 1340 पाउंड चंदा भी मांग रहा था कि डीप प्रेस क्लास इंस्टीट्यूट मुझे खुलना है। तो हम सरकार के भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। समाज को भी आना पड़ेगा और नेताओं को संसद में जो बोलेंगे अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे कामों में आना। मैं यही कह रहा हूँ सर कि वो जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसी से वो हो रहे हैं वो तो एक चीज है ही। हाँ, लेकिन जो सोसाइटी है ना, जिसका मैं तुलना करना चाह रहा था उत्तर और दक्षिण की, तो सोसाइटी में फ्यूडलिज्म है, कास्टिज्म है, पैट्रियार्की है। इसकी वजह ये है कि सोसाइटी में वो चेतना नहीं है, और वो चेतना होगी तो हम शिक्षा को लेकर सजग होंगे। कोई मतलब जगह जमीन गिरवी रख करके पढ़ाने वाला जो था ना कि भाई बच्चे को जाना है तो इलाहाबाद का खर्चा हम लोगों का कैसे मिलता था, ये हम लोग भूले नहीं है। पेंटिंग नहीं होती थी सर, वो जो वो दीवार में पुताई ढंग से नहीं हो रही है क्योंकि दो लोग पढ़ रहे हैं इलाहाबाद। तो वो जो चेतना है उसी को हमें और मजबूत करना है, क्योंकि शिक्षा तो और यही है सर। हम लोग और क्या बोल सकते हैं, YouTube पे क्या चल रहा है, बहुत ही शोध कर रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं, क्या चल रहा है YouTube? देखिए YouTube अभी मुझे जो लग रहा है ना सर कि सोशल मीडिया अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जिसके जरिए अगर दंगा कराया जा रहा है, जिसके जरिए नफरत फैलाई जा रही है, जिसके जरिए झूठ फैलाया जा रहा है, उसी के जरिए अगर उसका सदुपयोग किया जाए तो अपना विचार भी फैलाया जा रहा है। और आपसे इस बात को क्या ही हम कहेंगे, आपने पिछले 1.5 साल जिस तरीके से शोध करके अम्बेडकर नामा में एक लाख का अचीवमेंट क्या है, वो प्रतीकात्मक रूप से देखें तो एक बड़ी बात है, लेकिन ये जो है ना वो सोशल जस्टिस की पूरी लड़ाई में भाषा नहीं दे रहा है, तथ्य व तर्क दे रहा है। तो ये जो YouTube का इस्तेमाल है, हम लोग थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन थोड़ा लेट हुए हैं, भाषण हम लोग 5 साल बहुत ज्यादा दिए हैं देश भर में घूम के, थोड़ा लेट हुए। तो चलिए लक्ष्मण का YouTube देखिए, अम्बेडकर नामा भी देखिए, यहाँ मन की बात नहीं काम की बात होती है, बगैर पेज नंबर और रेफरेंस की बात नहीं होती। सुरेंद्र भाई है। हाँ, अभी बात कर रहा हूँ अभी तक। ये अम्बेडकर नामा ऐसा चैनल है, टाइम नहीं होता, कोई कमर्शियल ब्रेक नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी है। आप मोबाइल खोलिए, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, कोई बच्चा विदेश जाएगा तो जरूर आपसे अपील करूंगा, उसको दे दीजिए। अम्बेडकर नामा का कोई शुल्क नहीं है, मैं चंदा भी नहीं मांगता, ना कोई अकाउंट नंबर। सुरेंद्र है और यूथ फॉर सोशल जस्टिस के साथी है। क्या चल रहा है भाई यूथ फॉर सोशल जस्टिस में, देश में क्या कर रहा है युवा अभी? सर ये तो युवाओं को पूरी तरह से जो सरकार है वो बांधने का काम कर रही है, चाहे पैंडेमिक के नाम पर उन्होंने इस तरह से बांध दिया है वो आप देखना चाह रहे हो, और बाकी आप तो बात कर ही रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, लोगों को बता रहे हैं। तो और दूसरा, ऐसे दौर में युवाओं को जो मुझे लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, सरकार बांधने का काम करेगी लेकिन हमें खुल के अपनी एजुकेशन के द्वारा और अपने जो अंदरूनी तौर से एकजुट होके, क्योंकि अब कानूनी तौर से हमें बांध रही है लेकिन हमारे अपने जो एकजुट होने के तरीके हैं उस तरीकों का इस्तेमाल करें, अपने बंद कमरों में जाएं या जैसे मिल सकते हैं उनको मिलकर इकट्ठा होके अपने आप को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होके हमें जो सरकार की दमनकारी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसे कि हमारे साथियों ने कहा कि ये बात
जो वर्तमान समय में जो माहौल बन रहा है वो पूरी तरह से ऐसे हमारी व्यवस्था के खिलाफ, इस जो सिस्टम है ऐसा युवाओं के खिलाफ, जैसा कि आपने पूछा युवाओं क्या कह रहे थे, युवाओं को पूरी तरह बांधा जा रहा है और बांधने का कारण ये है कि युवा ही है और हमारा देश 60% युवा वाला है और उनको पता है कि अगर जो इस देश में अगर बदलाव लाने की प्रक्रिया में अगर कोई आगे आएगा तो युवा ही आएगा। तो उस तरह से जो मोदी सरकार, जो भाजपा सरकार जिसे मोदी सरकार का नाम दिया जाता है, ये पूरी तरह से युवाओं को बांधने की प्रक्रिया में लगी है। चलिए ये देखिए, पहले हम लोग गांव में 40 साल उम्र जब हो जाती थी तो लोग कहते थे बूढ़ा हो गया। यूथ फॉर सोशल जस्टिस बने 17 साल हो गया, अभी भी युवा है और युवा को मोबिलाइज करते हैं। सुरेंद्र बहुत युवा बहुत है ना, और बहुत काम कर रहा है। क्या चल रहा है भाई, अपना परिचय दे दो पहले। मैं संदीप हूँ और मैं शोधार्थी हूँ समाज कार्य विभाग में और यूथ फॉर सोशल जस्टिस में 9.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और पहले साल से ही अपने ग्रेजुएशन के मैं यहाँ जुड़े और ग्रेजुएशन की मास्टर्स में आते आते चीज़ें समझ में आई और समझ में आने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों ने इधर से उधर से दाएं बाएं इधर उधर से आके हमारे कंधों पर हाथ भी रखे, लेकिन हमें पता था कि किसके कंधे किसके हाथ कहाँ तक पहुँचते हैं, किस पर्पज़ से रखे जा रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि आखिर में कि आपको सिर्फ एक राजनीतिक या अपने वैचारिक ही गति नहीं पानी है, अपने आप को एक एक शोधार्थी के रूप में भी मजबूत करना, एकेडमिकली मजबूत करना है। अगर आप एक शोधार्थी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मजबूत नहीं निकल कर आएंगे तो आप किसी भी आंदोलन को, किसी भी वक्तव्य को कहीं कोई धार नहीं दे पाएंगे। तो युवा का सबसे पहला काम, रतन सर का मैं एक पुराना रेफरेंस दे सकता हूँ, रतन सर ने जब सर सोशल मीडिया में आए तो सर ने कहा था कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन सर का कहना था कि वो दूध यहाँ नहीं मिलता, दूध वहाँ मिलता है। यहाँ दूध चापलूसी करना सिखाता है, चमचागिरी करना सिखाता है और वहाँ का पिया हुआ दूध आएगा जब इंसान यहाँ आगे दहाड़ेगा। बाबा साहब दहाड़े और उनके दहाड़ने की वजह से हम यहाँ सब खड़े होकर दहाड़ रहे हैं। चलिए अम्बेडकर नामा ये कोशिश, अगर 10 छात्र को भी हम विदेश भेजने में कुछ सहयोग कर पाए, उसमें से 2 भी ढंग कर निकल गए तो बड़ी बात होगी, बड़ा काम होगा। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। अच्छा, मैं अभी जस्ट मैंने इस बार इनरोल किया है। पढ़ाई कहाँ से किया आपने? मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से ही अम्बेडकर कॉलेज से रहा है और मेरा जो मास्टर्स है वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से रहा है। ओके, और मतलब मेरे परिवार की विचारधारा भी अंबेडकर और बुद्ध के ही आसपास हमेशा से रही है और मेरी पढ़ाई भी। चलिए, अंबेडकर नामा देखा आपने? हाँ, अभी मैंने अंबेडकर नामा जो है, मैं इतना वो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं था पहले, बट अभी अच्छा। मैंने सब्सक्राइब किया है। सोशल मीडिया ही असली मीडिया है तो इसलिए हाँ, बहुत सारे चैनल्स हैं, न्यूज के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, एकेडमिक्स के लिए बहुजन साहित्य एक चल रहा है, लक्ष्मण चला रहे हैं, हम चला रहे हैं और कुछ साथी चला रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि काम की बात YouTube पे है, वो YouTube पे सिर्फ नागिन का डांस नहीं, काम की बात भी की जाए, उसे पढ़ा लिखा जाए और बहुत सारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे। हमारे लोग जो पढ़े लिखे भी हैं उनके पास भी समय का अभाव होता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो कम से कम सुन तो सकते हैं ना, पूरा वीडियो सुनिए, इसी में मिलेगा काम की बात है। और ये अम्बेडकर नामा हो सकता है कि अगला बच्चा आपका भी हो, इसलिए सोशल कमिटमेंट, पे बैक टू दी सोसाइटी जरूर कीजिए। राजा चौधरी अभी फिलहाल जाने के एकदम कगार पे हैं, तो अभी उसको पहले जो कगार पे उसको धक्का दे दो। तो चलिए, शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा और लक्ष्मण के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लक्ष्मण भी गंभीर बातें करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया।